नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनोज नामदेव और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करते हैं हिचकी या हिकअप के बारे में। दोस्तों हिचकी लगभग सभी को हो जाती है और हिचकी क्यों होती है, इसके क्या लक्षण है और इसके ठीक करने के कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है। दोस्तों हिचकी बंद करने के लिए मैं आपको ऐसी मेडिसिन बताऊंगा जिस मेडिसिन की खुशबू से या सूंघने से ही आपकी हिचकी बंद हो जाएगी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हिचकी क्यों आती है। तो दोस्तों हमारे शरीर में यहाँ पे डायफ्राम होता है जो छाती को और पेट को अलग करता है। दोस्तों ये डायफ्राम हमारे सांस लेने और छोड़ने में मदद करता है। तो ये डायफ्राम मसल्स जब भी किसी कारण से अगर इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रेक्शन होता है तब हमारे यहाँ पे जो वोकल कॉर्ड होता है वो सडनली बंद होते हैं। तो जब ये वोकल कॉर्ड बंद होते हैं तो एक आवाज आती है हिक, तो इसी को दोस्तों हिचकी कहते हैं। और दोस्तों ये आवाज आपको पता होगी कैसे आती है, जो अभी मैं आपको बताऊंगा। ऐसे ऐसे इस तरह की आवाज आती है, तो उस आवाज को हिचकी बोलते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं हिचकी के क्या क्या कारण है, हिचकी किन किन कारण से आती है। तो दोस्तों इसमें सबसे कॉमन और पहला कारण है ओवर ईटिंग से। अगर कोई ज्यादा खाना खा लेता है या तेज मिर्च मसाले वाला भोजन कर लेता है तो ये हिचकी आती है दोस्तों। और इसका दूसरा कारण है दोस्तों, अगर ज्यादा मात्रा में अल्कोहल या शराब पीते हैं तो उनको भी हिचकी बहुत ज्यादा आती है। और अगर दोस्तों अगर बॉडी का अगर टेम्परेचर सडनली चेंज हो जाता है, जैसे कोई ज्यादा कोल्ड या ज्यादा हॉट अगर कोई फूड या खाना या पीना पीते हैं तब भी हिचकी शुरू हो जाती है। और दोस्तों अगर सडनली एक्साइटमेंट हो जाता है बॉडी में या फिर इमोशनल स्ट्रेस होता है सडनली तब भी हिचकी आती है दोस्तों। और जब एयर या हवा चली जाती है अपने पेट में किसी कारण से, अगर कोई चिमंग चबा रहा होता है या किसी और कारण से अगर एयर जाती है अपने पेट में तो उस वजह से भी हिचकी शुरू हो जाती है। और जो लोग दोस्तों बहुत ही ज्यादा मात्रा में स्मोकिंग करते हैं उनको भी हिचकी बहुत ज्यादा आती है। दोस्तों ये तो हिचकी के कॉमन कॉज होते हैं जो लगभग किसी को आ जाती है हिचकी इन कारणों से। कई बार दोस्तों हिचकी के कुछ नर्व डैमेज या इरिटेशन होने से भी हिचकी आती है। जैसे अगर वेगस नर्व या फ्रेनिक नर्व अगर डैमेज हो जाती है या फिर इरिटेट हो जाती है तब भी हिचकी आती है, क्योंकि वेगस नर्व होती है जो अपने डायफ्राम होती है उनको कंट्रोल करती है, तो इस कारण से भी हिचकी आती है। दूसरा कारण है दोस्तों, अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर कुछ डिसऑर्डर या कुछ नर्व डैमेज हो जाती है या कोई ट्यूमर बन जाता है या ब्रेन पे कोई ट्रॉमा या इंजरी हो जाती है तब भी दोस्तों हिचकी कंटिन्यू आती है और उसको ट्रीटमेंट से ही ठीक होती है। तो CNS डिसऑर्डर में दोस्तों पहला है एनसेफेलाइटिस, अगर एनसेफेलाइट है तो भी हिचकी आती है दोस्तों। दूसरा है दोस्तों मेनिंजाइटिस, अगर मेनिंजाइटिस हो जाता है तब भी दोस्तों हिचकी आने की समस्या रहती है। इसके बाद है दोस्तों मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में भी दोस्तों हिचकी आती है। और अगर दोस्तों कहीं ब्रेन में ट्यूमर हो जाता है या कोई ट्रॉमेटिक इंजरी लग जाती है या ब्रेन इंजरी हो जाती है तब भी हिचकी आती है। कई बार दोस्तों कुछ बीमारी होने से भी हिचकी शुरू हो जाती है, जैसे अगर किसी को डायबिटीज है तो उनको भी हिचकी बार बार आती है। और अगर किसी की किडनी फेलियर होती है तब भी हिचकी आनी शुरू हो जाती है। और कई बार दोस्तों अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो जाता है अपनी बॉडी में तब भी हिचकी शुरू हो जाती है। और कई बार दोस्तों अगर स्टीरॉयड अगर ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं तब भी हिचकी आनी शुरू हो जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं हिचकी के क्या सिम्टम है। तो दोस्तों हिचकी के एक ही सिम्टम होता है, हिक की आवाज आती है जैसे कि मैंने पहले बताया था। और इसके बाद स्लाइट या थोड़ा सा दोस्तों चेस्ट में या एब्डोमन में टाइटनेस रहती है, इसके अलावा और कोई सिम्टम नहीं होता दोस्त। तो दोस्तों हिचकी क्यों आती है और इसके क्या क्या कारण है इसके बारे में मैंने आपको बताया। दोस्तों अगर नॉर्मली ऐसे कॉमन कॉज होता है तब हिचकी पानी पीने से या थोड़ी सी शुगर लेने से बिल्कुल ठीक हो जाती है। अगर दोस्तों पानी पीने से और शुगर लेने से भी अगर हिचकी आपकी बंद नहीं होती है तो हम दवाई लेने की जरूरत होती है। तो दोस्तों होम्योपैथी में हिचकी का बहुत ही अच्छा इलाज है और होम्योपैथी की दवाई सूंघने से या उसकी खुशबू लेने से आपकी हिचकी बंद हो जाएगी। होम्योपैथी में दोस्तों हिचकी की 200 से ज्यादा मेडिसिन आती है। तो दोस्तों होम्योपैथी में मरीज को देखकर उसकी केस हिस्ट्री देखकर उसके बाद दवाई दी जाती है। फिर भी दोस्तों कुछ मेडिसिन होती है जो हिचकी में बहुत अच्छा काम करती है। हिचकी में पहली मेडिसिन है दोस्तों नक्सोमिका 30। दोस्तों आप जो देख रहे हो नक्सोमिका 30 है दोस्तों, इस मेडिसिन से आपकी हिचकी बंद हो जाएगी दोस्तों। इस मेडिसिन को दोस्तों सूंघने से ही हिचकी बंद हो जाती है। दोस्तों क्या करना है, आपको नक्सोमिका की मेडिसिन लेके आनी है
और एक वाइट या कोई भी नॉर्मल प्लेन पेपर लेना। उस पे दोस्तों दो बूंद डालनी है, दो बूंद डाल के उसको दो तीन बार सूंघनी है दोस्तों। सूंघने से आपकी हिचकी बिल्कुल बंद हो जाएगी। फिर भी अगर दोस्तों मेडिसिन सूंघने के बाद भी अगर हिचकी बंद नहीं होती है तो दोस्तों आपको नक्स वोमिका 30 की 10-10 बूंद दिन में 3 बार या 4 बार आधे कप गुनगुने पानी में लेनी है। इससे आपकी हिचकी बिल्कुल बंद हो जाएगी। जो लोग दोस्तों ज्यादा स्मोकिंग करते हैं उनको बार बार हिचकी आती है, तो इग्निशिया 30 की दोस्तों 10-10 बूंद सुबह शाम लेने से उनकी हिचकी बंद हो जाती है। दोस्तों जो मैंने मेडिसिन बताई है, अगर उस मेडिसिन से अगर हिचकी बंद हो जाती है तो अच्छी बात है। फिर भी अगर हिचकी बंद नहीं होती है, आप अपने नजदीकी होम्योपैथिक चिकित्सक को दिखाए और उनके अनुसार मेडिसिन ले तो आपकी हिचकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दोस्तों आज का हिचकी का टॉपिक यही पूरा होता है, और अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट जरूर कीजिए, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर दबाइए, ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगले नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।